घर घर संविधान की मुहिम पिछले 2 सालों से सफलतापूर्वक चल रही है। विदेश में बैठे यानी कि ऑस्ट्रेलिया में बैठे दीप टंडारिया जी जहां अपने समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं जिन लोगों ने चाहे वो समाज सेवी हो या पत्रकार हैं या अच्छे अफसर हैं, उनको भी संविधान के प्रति जो है जागरूक किया जा रहा है। और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक फ्रेम लगा जो फोटो है वो दिया जा रहा है। अच्छी मुहिम है। दीप टंडारिया जी की वॉइस ऑफ पानीपत के ऑफिस में भी ये टीम जो है पहुंची है। दीप टंडारिया जी पिछले 2 सालों से ये जो है सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में वॉइस ऑफ पानीपत के भी ऑफिस में ये टीम पहुंची हुई है और अच्छा प्रयास है उनका और संविधान के बारे में लोगों को जागरूक भी कर रही है। पानीपत में गोविंदा लाहौट जो पिछले कई सालों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और उनकी टीम जो है आज वॉइस ऑफ पानीपत के ऑफिस में पहुंची और उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फोटो लगा फ्रेम जो है वॉइस ऑफ पानीपत की पूरी टीम को देकर जो है सम्मानित किया है। क्या कहना है इनका और किस लिए जो वॉइस ऑफ पानीपत को चुना है? ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए वॉइस ऑफ पानीपत को वो वॉच कर रहे थे और क्या चीज जो है वॉइस ऑफ पानीपत की उन्हें अच्छा लगी, हम लोग लाइव तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। दीप चंडालिया जी है ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। ये वॉइस ऑफ पानीपत का जो सराहनीय काम है, जो हम लोग समाज की सेवा या समाज का जो काम करते हैं, समाज की आवाज उठाते हैं, उसके लिए वॉइस ऑफ पानीपत को ऑस्ट्रेलिया से जो है दीप चंडालिया जी हैं जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, उन्होंने लिए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये वॉइस ऑफ पानीपत की टीम को भेजा है और ये भारत रत्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनके संविधान को आज हम पढ़ते हैं, जिनके संविधान पर जो है पूरा देश चल रहा है, तो ये उन्होंने स्पेशल जो है वॉइस ऑफ पानीपत की पूरी टीम के लिए जो है ये भेजा है। मैं शुक्र गुजार हूँ दीप चंडालिया जी का। ये पानीपत की टीम है, इनकी पूरे हरियाणा को देख रही है और मैं इनसे भी चर्चा भी ये कर रहा था कि वॉइस ऑफ पानीपत ही क्यों, और भी हैं शहर में, तो उन्होंने हमारे काम को कई दिनों तक देखा। दीप चंडालिया जी ने खुद देखा वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में बैठकर ये लोग क्या करते हैं, वाकई में कुछ करते भी हैं कि नहीं है, तो देखा उन्होंने, अच्छा लगा तो हमें चुना, तो हमें बड़ी खुशी हुई। ये लोग जो हैं पूरे हिंदुस्तान में उन समाज सेवियों, उन अच्छे पत्रकारों को ढूंढ रहे हैं जो वाकई समाज के लिए जो है सेवा कर रहे हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूँ गोविंदा लाहौट जी, और गोविंदा लाहौट जी से सुनना चाहूँगा कि वॉइस ऑफ पानीपत क्यों चुना आप लोगों ने। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताई देता हूँ, और ये घर घर संविधान पहुँचाने का जो मुहिम भाई दीप चंडालिया जी ने चलाई है, तो हरियाणा के अंदर हमारी जिम्मेवारी लगाई है। और पानीपत की अगर बात करें तो पानीपत में पत्रकारिता में तो भाई कुलवंत जी को हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि एक सच्ची और ईमानदारी से न्यूज़ चलाते भी है और सपोर्ट भी करते हैं समाज की। तो मैंने भाई दीप चंडालिया जी को भाई के बारे में बताया और कुलवंत जी को हम बधाई देते हैं कि आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके लिए गिफ्ट हमारे भाई दीप चंडालिया जी ने भेजा है, इसको स्वीकार करें जी जी। और ये मुहिम घर घर संविधान बचाने की है और ख़ास करके उन समाज सेविकों के, सच्चे समाज सेविक है और सच्चे पत्रकार है, उनके पास बचाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये बहुत बढ़िया, ये मतलब मान सम्मान है ये, और देखिए इनका लोगो भी बना हुआ है, ये संस्था है इनकी वाल्मीकि इंटरनेशनल चंडालिया, दीपचंद चंडालिया ऑस्ट्रेलिया से हैं। ये देखिए उनका जो मोनोग्राम है संस्था का, ये भी है, और बड़ी अच्छी बात है कि ये लोग जो है अपने समाज को जिंदा रखने के लिए या समाज की जितनी भी दिक्कतें हैं उनको आगे लाने के लिए ये लोग जो है इकट्ठा होते हैं। और ख़ासतौर पर गोविंदा लाहौट जी पानीपत में आप लोगों ने देखा है, अपने समाज से अलावा जो है और भी समाज के लिए बढ़ चढ़ कर जो है काम करते हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का, ये पूरी टीम है इनकी, और हर घर संविधान जो है लेकर ये जो है मुहिम इनकी चलाई है और सफल भी हो रही है, और मैं इनको देखता भी रहता हूँ जहाँ जहाँ आप लोग जा रहे हैं, जिन जिन समाज सेवियों को अच्छे समाज सेवी चुने हैं आप लोगों ने, और पूरी इनकी टीम जो है देखती है उन कामों को, देखती है चाहे वो पत्रकारिता क्षेत्र में है चाहे समाज सेवी क्षेत्र में है, उनको देखते हैं, वाच करते हैं, और ये सौभाग्य हमारे को भी प्राप्त हुआ है कि हम लोग भी इनकी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं, तो धन्यवाद करूंगा आपकी पूरी टीम का। और मैं चाहूंगा कि आप ये जो हर घर जो है संविधान है इसको आप, क्योंकि संविधान को जिंदा रखने के लिए ये चीज़ें जरूरी हैं, और जब जब इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को भी याद आता रहेगा कि वाकई हमने संविधान जो है पढ़ा है, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे आदर्श रहे हैं, उनके संविधानों पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरा देश ही चल रहा है, सरकारें जो है वो भी इसी से चल रही हैं, तो हर घर जो है संविधान आपके मुहिम को
हम साधुवाद भी देते हैं और उम्मीद भी करते हैं, ये उम्मीद जो है आप ये संविधान की जो उम्मीद जो मुहिम है चला के रखें आप लोग। तो तस्वीरों में आपने देखा ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इस संविधान को लिखा, उस संविधान को पढ़कर हम पढ़े लिखे हैं। बड़ा अच्छा प्रयास है दीप चंडालिया जी और उनकी पूरी टीम का। तो आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।